फिल्म की शुरुआत होती है एक स्कूल को दिखाने से, जहाँ एक क्लास में डिटेक्टिव पूछताछ करने आते हैं क्योंकि अचानक स्कूल से एक लड़की गायब हो गई थी। डिटेक्टिव सबसे पूछती है कि वो लड़की कहाँ गई, किसी को पता है, पर कोई भी नहीं जानता था कि आखिर वो कैसे अचानक ही गायब हो गई। तब डिटेक्टिव कहती है कि हम इस केस को खुला ही छोड़ रहे हैं, अगर किसी को भी जानकारी मिली तो फौरन हमें बता दिया जाए। ये कहकर डिटेक्टिव यहाँ से चले जाते हैं। इसी क्लास में एक लड़की ईडन और उसकी दोस्त भी थी। दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छी होती है, ये स्कॉलरशिप हासिल करना चाहती है ताकि आगे भी अच्छे से कॉलेज में पढ़ सके। क्लास खत्म होने के बाद ईडन एक लड़के के पास जाती है जिसका नाम श्राउड था। वो अपने दो दोस्तों के साथ खड़ा होकर बातें कर रहा था। तभी ईडन आकर श्राउड को कहती है कि मैं तुम्हारे डैड से मिलना चाहती हूँ, मुझे उनसे कोई जरूरी बात करनी है। दरअसल उसके डैड प्रेसिडेंट के ऑफिस में काम करती थी, जो ईडन को स्कॉलरशिप दिलवा सकती थी। ये सुनकर श्राउड कहता है कि मेरे डैड बहुत ही मसरूफ रहते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता, इसलिए वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। उसकी बात डालकर ईडन श्राउड से पूछती है, क्या आज रात तुम्हारे घर में पार्टी है? श्राउड जवाब देता है कि हाँ, मेरे मॉम डैड घर पर नहीं है, तो मैंने पार्टी रखी है जिसमें मैंने अपने सभी दोस्तों को बुलाया है, अगर तुम भी अपनी दोस्त के साथ आना चाहती हो तो आ सकती हो। ये कहकर वो यहाँ से चला गया। इस बात से ईडन खुश हो भी रही थी कि तभी यहाँ उसकी दोस्त भी आ गई, जिसे ईडन पार्टी के बारे में बताकर कहती है कि रात को तैयार रहना, हम भी श्राउड के घर पार्टी में जाने वाले। रात होती ही ईडन पार्टी के लिए तैयार हो गई, जहाँ उसकी डैड गाड़ी में उसे छोड़ने जा रही थी। रास्ते में ये लोग ईडन की दोस्त को भी नहीं लेते हैं। फिर ईडन की डैड श्राउड के घर इन्हें छोड़कर चली गई। दोनों लड़कियाँ पार्टी में आ जाती है, जहाँ श्राउड की दोस्त दोनों के मोबाइल ले लेती है। बताने लगी ये इस पार्टी का एक असूल है कि यहाँ कोई भी मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसके बाद दोनों ऊपर गई ताकि श्राउड से मिल सके, क्योंकि ईडन का प्लान था कि मैं अपनी बातों से श्राउड को मुतासिर करूंगी ताकि वो मुझे अपने डैड से मिलवा सके। सबसे पहले ईडन अपनी दोस्त को श्राउड की दोस्त के पास भेजती है ताकि वो ईडन के पीछे ना आ जाए। तब उसकी दोस्त श्राउड की दोस्त को अपनी बातों में उलझाकर शराब पीने के लिए ले जाती है, और जब श्राउड अकेला था तब मौके का फायदा उठाकर ईडन उसके पास आई, बातें करने लगती है। ईडन की दोस्त जब उससे बातें कर रही थी तो श्राउड का दोस्त उससे काफी मुतासिर हो गया। उसे पता चला कि ईडन की दोस्त म्यूजिक प्लेयर है। पार्टी चल ही रही थी कि तभी यह गायब हुई लड़की की बहन आ जाती है। उसने पार्टी में हंगामा कर दिया, जोर जोर से वो बोलने लगी। सबको कहती है कि बताओ आखिर ऐसी कैसे मेरी बहन अचानक गायब हो सकती है। ये देखकर सब लोग गायब लड़की की बहन के पास गए, उसे शांत करने लगती है। अब श्राउड को मुतासिर करने के लिए ईडन कहती है, बेचारी काफी परेशान है, किस तरह रो रही है, ऐसा करती हूँ मैं इसे घर छुड़ाती हूँ, फिर पार्टी में वापस आ जाऊंगी। इस पर श्राउड मान गया, वो अपनी गाड़ी की चाबी ईडन को दे देता है। ईडन गायब लड़की की बहन को गाड़ी में छोड़ने के लिए चली जाती है। जब वो घर पहुंची तो ईडन को एक सिल्वर का बना हुआ दिल देती है। बताने लगी कि मेरी गायब बहन ये सिल्वर का दिल हमेशा अपने पास रखा करती थी, इसे देखकर मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, ना जाने वो कहाँ होगी। ये कहकर वो जज्बाती हो गई और ज्यादा रोने लगती है। फिर गाड़ी से उतरकर अपने घर चली गई, जबकि ईडन वापस पार्टी में आ जाती है। श्राउड उसे घर के अंदर लाकर पूरा घर दिखाने लगा, अपनी फैमिली के सारे मेंबर्स की तस्वीरें भी दिखाता है। फिर ये बताता है कि मेरी फैमिली बहुत अमीर, साथ ही वहाँ पड़े काफी पुराने वक्त के हथियार औजार वगैरह भी दिखाता है, ये बताते हुए कि मेरी फैमिली के बहुत सारे लोग शिकारी भी थे, जिसके बाद ये दोनों एक गेम खेलने के लिए आगे बढ़े। ये तभी यहाँ ईडन की दोस्त भी आ गई, जिसने बहुत ज्यादा शराब पीनी थी। उसे इतना नशा चढ़ा हुआ था कि वो तो ठीक से चल भी नहीं पा रही। उसे पकड़कर ईडन श्राउड से पूछती है कि इसे कहाँ लेकर जाओ। श्राउड बताता है कि इसे ऊपर वाले कमरे में ले जाओ। ईडन ने ऐसे किया, वो उसे कमरे में ले जाकर सुला देती है। इसी कमरे के बाथरूम में श्राउड का दोस्त भी बैठा हुआ था, वो बहुत ज्यादा नशा ले रहा था। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे उसने बहुत बड़ी कोई गलती कर दी है, और ये सब करके वो अपनी गलती का पछतावा कर रहा है। ईडन नीचे आकर श्राउड से पूछती है कि अगर मैं ये गेम जीत गई तो क्या फिर तुम मुझे अपने डैड से मिलवा दोगे। इस पर श्राउड कहता है कि हाँ, मैं वादा करता हूँ ऐसा ही करूंगा। और अब ईडन ये गेम जीत भी जाती है। श्राउड का दोस्त जब बाथरूम से बाहर आया तो वो ईडन की दोस्त को बेड पर लेटा हुआ देखकर खुद भी आकर लेट जाता है। उसे क्योंकि हर मौके पर तस्वीर बनाने का शौक था तो वो उसकी भी तस्वीर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ ईडन आ गई। इसीलिए हड़बड़ी में श्राउड का दोस्त फोन को वहीं गिरा देता है। ईडन को उसे यहाँ देखकर गुस्सा आया, इसीलिए वो उसे यहाँ से भगा कर दरवाजे को बंद कर लेती है। बाहर आकर श्राउड के दोस्त को एहसास हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। ईडन को उसका मोबाइल मिल गया, इसीलिए वो वीडियो चेक करने लगती है कि कहीं इसने मेरी दोस्त की वीडियो तो नहीं बना ली। उसे गायब हुई लड़की की वीडियो मिली। ईडन को पता चला कि जिस दिन वो लड़की गायब हुई थी इन तीनों दोस्तों के साथ थी। वो वीडियो को चलाकर देखने का सोचती है कि आखिर उस दिन इन लोगों ने लड़की के साथ क्या किया होगा, लेकिन तभी मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है, फोन बंद होने वाला हो जाता है। ये देखकर ईडन को तीनों पर शक हो गया कि इन्होंने जरूर कुछ न कुछ गलत किया है, जिस वजह से वो लड़की गायब हो गई है। श्राउड का दोस्त नीचे आकर अपने दोनों दोस्तों को बताता है कि मेरा फोन अंदर ही रह गया है। ये सुनकर तीनों ऊपर आए दरवाजे को खटखटाने लगते हैं। ईडन थोड़ा सा दरवाजा खोलती है, तब श्राउड उसे कहता है मेरा दोस्त अपना फोन अंदर ही भूल गया है, तो जरा वो तो दे दो। जिस पर ईडन कहती है कि अंदर मुझे तो कोई फोन नहीं मिला, जो कहकर वो जल्दी से दरवाजा बंद करके लॉक कर लेती है। अंदर से ही उन लोगों को बताती है कि मैंने तुम लोगों की वीडियो फोन में देख ली है, जो सुनकर श्राउड और उसके दोनों दोस्त काफी डर जाते हैं। श्राउड उससे पूछता है, अच्छा बताओ तुमने वीडियो में क्या देखा। ईडन कहती है कि मैं धीरे धीरे वीडियो देख
देख रही थी और मोबाइल की बैटरी लो हो गई। लेकिन अब तक मुझे अंदाजा हो गया है कि तुमने उस लड़की के साथ जरूर कुछ गलत किया है। जब वो गायब हुई और अब न जाने वो कहाँ होगी। शराब उसे दरवाजा खोलने का कहता है लेकिन वो किसी भी सूरत दरवाजा खोलने को तैयार नहीं होती। थोड़ा सोचने के बाद उनके सामने शर्त रख देती है कि तुम ऐसा करो, मुझे इस फोन का चार्जर दे दो, मैं पूरी वीडियोस देखना चाहती हूँ, जिसके बाद मैं वादा करती हूँ कि दरवाजा भी खोल दूंगी और ये फोन भी वापस लौटा दूंगी। पर इसके लिए शराब नहीं मानता। साथ ही उसे काफी गुस्सा भी आ गया था क्योंकि वो जान गया था कि ईडन ऐसे नहीं माने, इसीलिए वो नीचे जाकर चिल्लाने लगा, पार्टी बंद कर देता है और सबको वापस अपने अपने घर जाने का कहता। ईडन खिड़की के जरिए जब सबको जाता हुआ देखती है तो मदद के लिए आवाजें लगाने लगती है पर कोई भी उसकी आवाज सुन ही नहीं पाता। ईडन सोचती है कि वो तीनों भी बाकी लोगों के साथ बाहर चले गए होंगे। तभी उसे याद आता है कि पार्टी में एक लड़की के पास चार्जर था, इसीलिए वो चुपके से नीचे जाती है चार्जर लेने। चार्जर उसे मिल भी गया लेकिन इससे पहले उसे लेकर वापस आती श्राउड का दोस्त उसे पकड़ लेता है। पर क्योंकि ईडन काफी बहादुर थी तो खुद को बचाने के लिए वो लड़ने लगी, नाक पर मुक्का मारती है जिससे वो नीचे गिर गया और उसकी नाक से खून आने लगता है। और अब जब वो चार्जर उठाकर भागने लगी तो श्राउड भी चार्जर को पकड़ के खींचने लगता है जिससे चार्जर दो हिस्सों में टूट गया, यानी अब वो किसी काम का नहीं रहा। ये देखकर ईडन जल्दी से भागकर वापस कमरे में आ जाती है। उसे पता था कि वो तीनों दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करेंगे, इसीलिए दरवाजे के सामने अलमारी को लगा देती है। श्राउड अपने दोस्त को कहता है कि तुम सीढ़ी उठाकर बाहर लेकर जाओ, उसके जरिए ऊपर वाले कमरे में जाने की कोशिश करो जहाँ ईडन है। उसकी बात मानकर श्राउड का दोस्त वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद श्राउड खुद कुल्हाड़ी लेकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। इसी बीच ईडन की दोस्त की आँख भी खुल जाती है क्योंकि उसने बहुत शराब पी हुई थी तो उल्टी करने वो वॉशरूम में जाती है। लेकिन तभी खिड़की के बाहर वो श्राउड की दोस्त को देखती है जो उसे खिड़की खोलने का कहता है। अब क्योंकि ईडन की दोस्त हर चीज से अनजान थी इसलिए वो ये समझ लेती है कि श्राउड का दोस्त मुसीबत में है, उसे मदद चाहिए। यही सोचकर वो खिड़की खोलकर उसे अंदर कर लेती है। इस पर वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, सच बताऊं तुम बहुत अच्छी लड़की हो, अब मैं तुम्हें पसंद करने लगा। पर ईडन की दोस्त को तो कुछ पता नहीं था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और वो ऐसा क्यों कह रहा है। और अब श्राउड का दोस्त अंदर जाकर ईडन को कहता है कि चुपचाप मेरा फोन मुझे वापस दे दो। लेकिन बिना सोचे ईडन कुर्सी उठाकर उसे दे मारती है, कुर्सी टूट गई, जिसके बाद भी ईडन उसे मारती रहती है और वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद दोनों उसे बाथरूम में ले जाकर बांध देती है और अब उसे इन्होंने बंदी बना लिया था। उसके साथ ये दोनों भी बाथरूम में ही बंद हो जाती है। इसी बीच श्राउड दरवाजे को तोड़कर जैसी तैसी अंदर आ जाता है। उसने देखा कि ईडन और उसकी दोस्त मेरे दोस्त को बाथरूम में बंदी बना चुकी है, जिसका दरवाजा भी उन्होंने लॉक कर लिया है, इसीलिए वो अंदर नहीं जा सकता। ईडन की डैड देखती है कि पार्टी खत्म हो गई है, इसीलिए सभी लोग वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। वो उनमें अपनी बेटी ईडन को ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती। श्राउड की दोस्त को जब होश आई तो ईडन उसे बाथ टब में बिठा देती है और पानी में ड्रायर रखने लगती है ताकि उसे करंट लगे। ये देख श्राउड का दोस्त रोने लगा, अपनी जान की भीख मांगता है, पूछने लगा कि तुम आखिर ये क्यों कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए। ईडन कहती है बाहर कमरे में फोन है और तुम्हारा दोस्त श्राउड भी अंदर आ चुका है, उसे कहो कि वो तुम्हारा फोन मुझे दे दे ताकि मैं पुलिस और अपने डैड को कॉल कर सकूं। तब श्राउड का दोस्त कहता है कि प्लीज फोन दे दो, जिस पर श्राउड ने जवाब दिया आई एम सॉरी मेरी दोस्त, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, जिसके बाद वो अपनी फीमेल फ्रेंड को सीढ़ी के जरिए ऊपर जाने का कहता है ताकि वो अपनी दोस्त को बचा सके। साथ ही ईडन और उसकी दोस्त को मार दे, खुद श्राउड पूरे घर की लाइट्स बंद कर देता है ताकि वो उसकी दोस्त को करंट ना लगा सके। बाहर श्राउड की दोस्त सीढ़ी पर चढ़ के ऊपर जाने लगी, हाथ में उसने चाकू भी पकड़ा हुआ था ताकि वो ईडन और उसकी दोस्त को मार सके। वो खिड़की पर आकर ईडन की दोस्त का हाथ पकड़ लेती है लेकिन अपना हाथ छुड़ाकर वो उसे ही धक्का दे देती है। ऐसा होने से वो नीचे गिर गई और चाकू उसके पेट में ही लग जाता है, वो काफी जख्मी हो गई, तेजी से उसका खून निकलने लगा। ये देखकर दोनों दोस्तें काफी घबरा गई और अब ईडन सीढ़ी के जरिए नीचे श्राउड की दोस्त के पास आती है ताकि उसका फोन ले सके। फोन उसने ले भी लिया। श्राउड की दोस्त जो तड़प रही थी ईडन से कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं बहुत जख्मी हूँ, मुझे इस तरह छोड़ के मत जाना। लेकिन ईडन उसकी कोई भी बात ना सुनकर सीढ़ी पर चढ़ गई फिर से ऊपर जाने के लिए। इतनी ही देर में यह श्राउड भी आ गया, वो सीढ़ी को हटा देता है लेकिन तब तक ईडन खिड़की तक पहुँच गई थी। और अब जब वो अंदर जाने लगी फोन उसके हाथ से छूट कर नीचे गिर जाता है और वो खुद सही सलामत अंदर आ जाती है। श्राउड अपने जख्मी दोस्त को खींच कर अंदर लेकर आया, देखता है कि उसका बहुत सारा खून बह चुका है। उसकी दोस्त कहती है प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले जाओ वरना मैं मर जाऊंगी, लेकिन श्राउड ऐसा नहीं करता क्योंकि अगर वो इसे हॉस्पिटल ले गया तो खुद भी पकड़ा जा सकता था, तो उसे ऐसे मरने के लिए छोड़कर ऊपर जाने लगता है। ईडन अब अपनी दोस्त को सारी बात बता देती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, जो सुनकर उसकी दोस्त कहती है देखो हमें इनसे या किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारी तरफ से जो मर्जी करे, हमें उनका फोन वापस कर देना चाहिए ताकि हम भी यहाँ से चले जाएं। पर जब ईडन ने ऐसा करने से मना कर दिया तो वो उल्टा ईडन से ही लड़ने लगी, उससे फोन छीनने की कोशिश करती है। इसी बीच वो घर के बाहर ईडन की डैड की आवाज़ सुनती है जो कि अपनी बेटी को ढूंढते हुए यहाँ भी आ गई थी। उनकी आवाज़ सुनकर ईडन बाहर आई, अपनी डैड से पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं डैड। इससे पहले वो कोई जवाब देती पीछे से श्राउड आकर उन पर
हमला कर देता है जिससे उन्हें थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। श्राउड ने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी। वो एडन को कहता है कि मेरे दोस्त का फोन मुझे दे दो वरना मैं कुल्हाड़ी से तुम्हारे डैड का गला काट दूंगा। ये सुनकर एडन की दोस्त काफी डर गई और वह जल्दी से फोन लेकर नीचे रख देती है। पर श्राउड जो बहुत बुरा इंसान था हंसने लगा, कहता है तुम कितने बेवकूफ हो जो मेरी बातों में आ गई। इतना बोलकर वह कुल्हाड़ी उठाता है एडन के डैड की जान लेने के लिए। लेकिन ठीक वक्त पर श्राउड के डैड वहाँ आ गए। अपने बेटे के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर पूछते हैं कि ये सब क्या है, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। सारी सूरत हाल देखकर वो हैरान रह जाते हैं कि तभी यहाँ श्राउड की मॉम भी आ गई। पर वो इतनी घबराई हुई नहीं थी, कहने लगी लगता है यहाँ काफी बड़ी गड़बड़ चल रही है, सब शांत हो जाए, हमें बैठकर बात करनी चाहिए। अब जब सारे लोग बैठकर बात करने लगे तो एडन श्राउड के मॉम डैड को सारी बात बता देती है, जो सुनकर उसकी मॉम डैड अपने बेटे की हरकत पर काफी हैरान और परेशान रह जाती है। और अब जब वो एक कमरे में गई तो देखती है कि श्राउड की फीमेल फ्रेंड मारी जा चुकी है, जो देखकर श्राउड को बहुत दुख हुआ। वो रोने लगता है, अपनी मॉम डैड से कहता है कि ये सब उस लड़की एडन की वजह से हुआ, ना वो सारा ड्रामा करती और ना आज मैं अपनी दोस्त को खोता। फिर अब ये लोग बाहर आ गए जहाँ श्राउड के डैड उन तीनों इन्हीं एडन उसकी दोस्त और डैड से एक डील करती है कि अगर आप लोग पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे तो मैं दोनों लड़कियों को स्कॉलरशिप दे दूंगा, जबकि एडन के डैड को ढेर सारे पैसे मिलेंगे। ये डील एडन की दोस्त को काफी पसंद आई, वो लेने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन एडन कहती है कि बहुत गलत बात है, ये आखिर एक लड़की का सवाल है, आप जरा ये सोचे कि उसकी मॉम डैड पर क्या गुजर रही होगी। आई एम सॉरी, उस लड़की के लिए मैं ये डील नहीं दे सकती क्योंकि जो श्राउड और उसके दोस्तों ने किया जुर्म है और एक जुर्म में मैं किसी का साथ नहीं दे सकती। यह सबके सामने वो फोन को चार्ज करके वीडियो देखने लगती है जिसमें उन्होंने देखा कि मजे मजे में श्राउड ने अपनी गाड़ी को उस लड़की में मार दिया। उस बेचारे की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसके बाद तीनों दोस्तों ने उसकी लाश को नदी में फेंक दिया। ये देखकर तीनों काफी डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे। वो जा ही रहे थे कि तभी अचानक बेहोश हो जाते हैं क्योंकि श्राउड की मॉम ने उन्हें पीने के लिए जो ड्रिंक दी थी उसमें एक गोली मिला दी थी जिससे इन तीनों का जिस्म पैरालाइज हो जाएगा, यानी वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहेंगे। एडन को जब होश आई तो वो खुद को अपने डैड और दोस्त को एक गाड़ी में पाती है और देखती है कि श्राउड हमें भी उस नदी के पास ले जा रहा है। श्राउड उसे बताता है कि मैंने ये प्लान बनाया है कि मैं तुम तीनों को अब गाड़ी समेत नदी में फेंक दूंगा ताकि पुलिस को ये लगे कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारी गाड़ी नदी में गिर गई जिस वजह से तुम सबकी मौत हो गई है। एडन देखती है कि मेरे डैड और दोस्त को अभी भी होश नहीं आई है। पर अब जब ये नदी किनारे आए तो श्राउड की मॉम उसकी दोस्त को कहती है कि तुमने अपने दोस्त की लाश को भी तो ठिकाने लगाना है ना, तो इसे भी गाड़ी में रख दो। उसने ऐसे किया, वो अपने दोस्त की लाश को भी गाड़ी में रख देता है और क्योंकि श्राउड कोई सबूत रखना नहीं चाहता था इसलिए वो पीछे से आकर अपने दोस्त पर हमला करके उसे भी मार देता है, उसकी लाश को भी फिर गाड़ी में रख दिया। ये लोग अब गाड़ी को स्टार्ट करके नदी में धकेल देती है ताकि सारे लोग मारे जाएं। कुछ देर के बाद दिखाया गया कि एडन और उसकी दोस्त किसी तरह बच गई है जबकि एडन के डैड की मौत हो गई है। दोनों दोस्तें जल्दी से तैरकर नदी से बाहर आ गई। ये जब आगे बढ़ रही थी तो एडन श्राउड के घर की तरफ देखती है, वो चाहती थी कि मैं फिर से जाकर उन्हें भी मार डालूं बदला लेने के लिए क्योंकि उनकी वजह से एडन के डैड मारे गए थे। हालांकि उसकी दोस्त काफी मना भी करती है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती, आगे बढ़ जाती है जबकि उसकी दोस्त फोन करने चली जाती है ताकि मदद के लिए पुलिस को बुला सके। और अब एडन चुपके से उनके घर में घुस जाती है जहाँ श्राउड की डैड खबरें देख रही थी। उसे एक्सीडेंट की खबर चल रही थी जो उन लोगों का कल रात इसी फैमिली ने किया, पर यहाँ ये बताया जा रहा था कि नदी से पांच नहीं बस तीन ही लाशें मिली है, जो सुनकर उसकी डैड सोच में पड़ गई दो किनकी लाशें नहीं मिली होंगी। और अब वो जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो सामने एडन थी जो उसके सर में कुल्हाड़ी घुसा देती है, उसका खून बहने लगा, मौके पर उसकी मौत हो जाती है। और अब एडन जाती है श्राउड की मॉम के पास उसे भी मारने के लिए, लेकिन उसे मारना इतना आसान नहीं था क्योंकि वो बहुत तेज औरत थी, लड़ना उसे काफी अच्छे से आता था। वो एडन को पहले काफी पीटती है फिर उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ एडन बड़ी चलाकी से उसे बाथटब में फेंक देती है, फिर वो ड्रायर भी चलाकर पानी में छोड़ देती है। इससे श्राउड की मॉम को जोरदार बिजली का करंट लगा, वो इतना तड़पी कि वही मारी जाती है। श्राउड घर वापस आकर अपनी मॉम डैड को आवाज लगाता है, पर जब वो कोई जवाब नहीं देती तो श्राउड समझ जाता है कि कोई गड़बड़ है। वो गन उठाकर अंदर गया तो अपनी मॉम डैड की लाश को देखता है और यहाँ उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो काफी हैरान और परेशान रह जाता है। घबराता हुआ जो बाहर आया तो एडन को देखता है जो उनकी गाड़ी में बैठी हुई थी। उसे देखकर श्राउड गोली से मारने जाता है लेकिन वो पहले ही गाड़ी उससे टकरा कर नीचे कुचल देती है जिससे वो काफी जख्मी हो गया, उसकी हालत काफी खराब हो गई। तब उसकी गन उठाकर एडन उसे मारने की कोशिश करती है पर ये उससे नहीं हो पाता, रोते हुए वो गन नीचे फेंक देती है। तब इसी बात का फायदा उठाकर श्राउड उठा एडन की जान लेने के लिए, पर ठीक वक्त पर यह एडन की दोस्त आ गई, वो गन उसे जोर से देकर मारती है जिससे श्राउड भी यही मारा जाता है। दोनों दोस्तें मिलती हैं, एडन रोते हुए उसका शुक्रिया अदा करती है कि तुमने मेरी जान बचाई। और फिर तभी इन दोनों को बचाने के लिए यहाँ पुलिस और रेस्क्यू टीम भी आ जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि एडन की दोस्त लाई थी। उसे फोन मिल गया था जिसकी मदद से वो पुलिस को यहाँ बुलाने में कामयाब रही और अब पुलिस दोनों को सही सलामत
बचा ली थी, पर इस सब में बेचारे इडन के डैड मारे गए, जबकि वो फैमिली और श्राउड के दोस्तों को अपने गलत कामों का सबक मिल गया। उन्होंने एक लड़की के साथ गलत किया था जिसकी सजा भी वो पा चुकी थी। सबकी ही जान चली गई और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।